हेलो फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं कि हम इंटरनेट यूज़ करें और कौन सा राउटर बेस्ट हो? तो चलिए हम आपको आज ये बताएंगे कि अगर आपने इंटरनेट में गेम खेलनी है और इंटरनेट वैसे यूज़ करना है, पीछे से स्पीड तो अच्छी आती है, बाज़ अवकात ऐसा होता है कि हमारे राउटर जो होते हैं वो किसी काबिल भी नहीं होते कि वो हमें स्पीड प्रोवाइड कर सके। चलिए हम आपको बताते हैं कि जो इंटरनेट यूज़ करने के लिए और गेमिंग में बेस्ट राउटर कौन सा होता है और हमें कौन सा परचेज़ करना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये टीपी लिंक का राउटर है जनाबे वाली, 300 Mbps वायरलेस है। ठीक है, ये एन राउटर होता है। एन राउटर आपको पता ही, एक पीछे से वायर लेगा और आगे पे इंटरनेट प्रोवाइड करेगा आपको। ठीक है, वाईफाई देगा। ऐसे ये देखिए, ये डी लिंक की डिवाइस होती है। ठीक है, इसमें भी आपको ये पीछे से वायर लेगा और आगे आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, जैसे सेम ये भी है, ये पीछे से इंटरनेट लेगा और आगे आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, और जो मेन चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये चीज़ है, ये देखें, ये जो राउटर है टीपी लिंक का C5। ठीक है, और ये इसका जो कोड है जनाबे वाली C1200 पूरा है और वायरलेस डॉल ब्रांड है। ठीक है, इसमें डबल ब्रांड का क्या मतलब होता है, ये देखें, ये आपको जैसे 4G और 5G होता है ना, ऐसे ही ये भी होता है। 4G मतलब 2.4 होता है, ठीक है, और 5G भी इसमें सपोर्ट होता है। कुछ मोबाइल जो अभी गेमिंग फ़ोन आ रहे हैं उनमें सब में यही है कि 5G मोबाइल वाईफाई सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जब हम 4G पे कनेक्ट करेंगे तो उसमें स्पीड थोड़ी वीक आएगी, और जब भी हम 5 ब्रांड पे कनेक्ट करेंगे उस पर स्पीड बेस्ट आएगी और हमारी गेम की जो पिंग है वो बहुत अच्छी वर्क करेगी। और जब भी हमने अगर गेमिंग के लिए राउटर परचेज़ करना है तो हमेशा टीपी लिंक का कोई भी राउटर परचेज़ करें, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप उसमें ड्यूअल ब्रांड का राउटर ही यूज़ करें और कोशिश करें 3 Mbps से अप हो। ठीक है, 3 Mbps से अप राउटर होना चाहिए तो वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगा। जैसे ये देखिए, ये भी राउटर पड़े हुए हैं हमारे पास, ये रेंज के लिए है, और ये देखें, ये 3 Mbps, ये भी इंटरनेट के लिए है। ठीक है, इसमें जो होता है ना राउटर की कैपेसिटी होती है, और अब कोशिश करें कि बेस्ट राउटर परचेज करें। ठीक है, फिर ही उसमें इंटरनेट चलाने का और गेम खेलने का मज़ा आएगा, अदरवाइज़ तो फिर आपको पता ही है, चलता तो है लेकिन वो चीज़ नहीं बनती जो चीज़ हम चाह रहे होते हैं।